बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद ड्रग्स एंगल से जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फिल्म इंडस्ट्री में चलने वाले नशे के कारोबार पर शिकंजा कस दिया है। शनिवार रात एनसीबी ने फिल्म एक्टर रहे अरमान कोहली के घर पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी के बाद एनसीबी के अधिकारियों ने अरमान कोहली को हिरासत में ले लिया था और पूछताछ करने के लिए अपने साथ ले गए थे। रविवार 29 अगस्त को एनसीबी ने अरमान कोहली को गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी ने शनिवार 28 अगस्त की सुबह हाजी अली के पास छापा मारा था और एक बड़े ड्रग डीलर अजय राजू सिंह को गिरफ्तार किया था। अजय के पास से 25 ग्राम एमडी भी बरामद किया गया था। अजय राजू सिंह से हुई पूछताछ के बाद एनसीबी ने दोपहर एक और ऑपरेशन लॉन्च किया। अजय ने पूछताछ में अरमान कोहली का नाम लिया। इसके बाद एनसीबी की टीम ने अंधेरी इलाके में अरमान के घर पर छापेमारी की। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बताया कि छापेमारी में अरमान कोहली के पास से थोड़ी मात्रा में कोकीन मिली है। पूछताछ के बाद अरमान कोहली को एनडीपीएस की धारा 21A, 27A, 28, 29, 30 और 35 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। अरमान के साथ ही ड्रग डीलर अजय को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को रविवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अभी मामले की जांच जारी है और एनसीबी ने बताया है कि अरमान कोहली के पास से मिली कोकीन बेहद हाई क्वालिटी और साउथ अमेरिका की है। इससे एनसीबी को शक है कि अरमान और अजय के इंटरनेशनल ड्रग डीलर से भी कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। ये पहली बार नहीं है जब अरमान कोहली सवालों के घेरे में हैं। साल 2018 में आबकारी विभाग ने घर पर अधिक शराब की बोतलें रखने पर अरमान कोहली को गिरफ्तार किया था। अरमान कोहली ने जानी दुश्मन और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों में काम किया है। अरमान कोहली टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस के 7वें सीजन में नजर आए थे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल NBT Entertainment को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें।